वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यारा मोटर्स। आज हम इस वीडियो में टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 को कंपेयर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके वेरिएंट्स की। XUV 700 में आपको दो वेरिएंट की सीरीज देखने को मिलेगी, MX सीरीज और AX सीरीज। AX सीरीज में आपको एड्रिनॉक्स देखने को मिलेगा, इसका बेस वेरिएंट MX रहेगा, उसके बाद AX3, AX5, AX7 और AX7 लग्जरी। सफारी का बेस वेरिएंट XC रहेगा, सेकंड बेस XM, फिर XT, XZ, XZ एडवेंचर और गोल्ड एडिशन। आइए बात करते हैं इन दोनों के डायमेंशन के बारे में। तो XUV 700 की लेंथ है 4690 mm, जो कि 34 mm ज्यादा है सफारी के लेंथ से। साथ ही ब्रेड है 1890 mm, जो 4 mm कम है सफारी की ब्रेड से। हाइट है 1755 mm, जो कि 31 mm कम है सफारी की हाइट से। और व्हील बेस है 2750 mm का, जो कि सफारी के व्हील बेस से 9 mm ज्यादा है। ऑन पेपर दोनों की डायमेंशन में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सफारी का इंटीरियर XUV 700 से ज्यादा स्पेसियस है। सफारी की सेकेंड रो और थर्ड रो दोनों में ही आपको XUV 700 से ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। सफारी में आपको 73 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है और XUV 700 में 78 लीटर्स की। अगर व्हील्स की बात करते हैं तो सफारी में आपको 17 और 18 इंच के मिलते हैं और XUV 700 में 16 और 18 इंच के। सफारी में आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा और XUV 700 में 60 लीटर्स का। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो सफारी में आपको 205 mm की मिलती है, जो कि 5 mm कम है XUV 700 के ग्राउंड क्लियरेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो XUV 700 में आपको 2.2 लीटर M-Hawk डीजल इंजन मिलता है, जो 185 PS की पावर जनरेट करता है और 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टाटा सफारी में आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 160 BHP की पावर जनरेट करता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क। XUV 700 में आपको 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जिसमें 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। XUV 700 के दोनों ही इंजन ऑप्शन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएंगे। माइलेज की बात करें तो आपको टाटा सफारी मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.14 KMPL का माइलेज मिलेगा और ऑटोमेटिक में 14 KMPL का। XUV 700 में कितना माइलेज मिलता है यह अभी महिंद्रा ने रिवील नहीं किया है, लेकिन अनुमान लगाया जाए तो ये सफारी से कम माइलेज ही देगी, क्योंकि इसमें आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो सफारी के 2.0 लीटर इंजन से बड़ा है और साथ ही XUV 700 का कर्व वेट भी ज्यादा है। तो XUV 700 में आपको लगभग 15 KMPL का माइलेज मिलेगा। सफारी में आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है। जिन्हें ऑफरोडिंग करना पसंद है उनके लिए महिंद्रा XUV 700 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि सफारी टू व्हील ड्राइव SUV है। सेफ्टी के मामले में टाटा और महिंद्रा दोनों की ही गाड़ी बेस्ट है। आइए महिंद्रा XUV 700 और सफारी के सेफ्टी फीचर्स को कंपेयर करते हैं। महिंद्रा XUV 700 में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे ABS, डबल एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनल विथ लोड लिमिटर के साथ आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको हर एक वेरिएंट में मिल जाएंगे। साथ ही आप अगर इसका AX5 वेरिएंट लेते हैं तो इन फीचर्स के साथ साथ आपको इसमें 4 एयरबैग और ESP भी मिल जाता है। अगर आप AX7 वेरिएंट लेते हैं तो इन फीचर्स के साथ साथ आपको 6 एयरबैग,
इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का। गाड़ी चलाने के दौरान अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी गाड़ी के सामने आता है तो XUV700 ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगी, जिससे कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसमें आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, साथ ही AX7L यानी कि टॉप वेरिएंट में इन फीचर के साथ साथ आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे। जो फीचर आपको महिंद्रा XUV700 में मिल रहे हैं वो 50 लाख के ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों में आता है। इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको 20 लाख के अंदर की गाड़ी में एडास सिस्टम मिल रहा है। सफारी में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के नाम पे ABS, डुअल एयरबैग, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनल विथ लोड लिमिटर के साथ मिलेगा। अगर आप सफारी का सेकेंड टॉप या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन सब फीचर के साथ साथ 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंटिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे सफारी बेहतर है, लेकिन मैक्सिमम फीचर्स के नाम पे XUV700 सफारी से ज्यादा बेहतर है। और आइए अब हम उन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाटा सफारी के बारे में। टाटा सफारी में आपको तीन ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, और साथ ही तीन टेरेन मोड्स भी मिलते हैं, नॉर्मल, रफ और बेट। ड्राइविंग मोड्स आपको XUV में भी मिलते हैं, लेकिन उसमें केवल 4 हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम। सफारी में आपको ऑटो डिम IRVM दिया गया है, जो कि XUV में मैनुअल आता है। इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। सफारी में आपको कैप्टन सीट भी मिल जाती है, जो XUV में नहीं मिल पाती। XUV में आपको 5 और 7 सीटिंग का ऑप्शन ही रहता है, 6 सीटर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और सफारी में आपको 6 और 7 सीटिंग का ऑप्शन है, 5 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सफारी के फ्रंट रो और सेकंड रो कैप्टन सीट वाले मॉडल में आपको चारों सीट वेंटिलेटेड मिल जाती हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन XUV में नहीं है। बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको सफारी में मिल जाते हैं लेकिन XUV में नहीं मिलते हैं। और आइए अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको XUV में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिलते हैं। XUV में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन सफारी में आपको 8.8 इंच का ही मिलता है। XUV के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, लेकिन सफारी में आपको मैक्सिमम 7 इंच की ही मिल पाती है। XUV में आपको सोनी के 12 स्पीकर देखने को मिलते हैं, जबकि सफारी में आपको JBL के 9 स्पीकर ही मिल पाते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बिल्ड इन एलेक्सा मिल जाता है, जो कि सफारी में नहीं मिल पाता है। इसके अलावा ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक AC आपको सफारी में भी मिलता है, लेकिन उसमें सिंगल जोन ही मिल पाता है। 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट आपको दोनों में ही मिल जाती है, लेकिन XUV में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल दोनों ही गाड़ी में दिया गया है, लेकिन XUV में आपको मोस्ट एडवांस एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। साथ ही में आपको 360 डिग्री कैमरा, स्मार्ट डोर हैंडल्स, ड्राइवर डाउजीनेस डिटेक्शन और पर्सनलाइज सेफ्टी अलर्ट मिल जाता है। XUV में आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसकी माइलेज इंक्रीज करने में मदद करती है। तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, दोनों ही मामले में XUV700 सफारी से आगे है। आइए अब वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं। तो सफारी में आपको
2 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। महिंद्रा ने अभी तक XUV700 के वारंटी ऑफर के बारे में नहीं बताया है। लगभग इसमें आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल सकती है। और अब बात करते हैं दोनों के प्राइसेस के बारे में, तो आप दोनों के प्राइसेस अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इन प्राइसेस के हिसाब से टाटा सफारी XUV700 से 1,60,000 रुपये महंगी है। XUV700 का ये प्राइस स्टार्टिंग के 25,000 कस्टमर्स के लिए ही है, उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको XUV में ज़्यादा बड़ा इंजन मिल जाता है, ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है, ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये 1,60,000 रुपये सस्ती भी है। लेकिन सफारी के कंपैरिजन में आपको XUV में कम स्पेस देखने को मिलता है, साथ ही इसकी लास्ट बेंच केवल बच्चों के लिए ही है, और इसमें बड़ा इंजन और ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से आपको माइलेज भी कम मिलता है। दूसरी तरफ टाटा सफारी एक 7-सीटर SUV है, जिसके लास्ट रो में एडल्ट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, साथ ही इंजन छोटा होने की वजह से आपको माइलेज भी ज़्यादा मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए XUV700 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सफारी में नहीं मिल पाता है। और जो लोग पेट्रोल इंजन चाहते हैं, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है XUV700। साथ ही XUV700 में आपको 1,60,000 रुपये कम देके ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, और सफारी में आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। इसकी थर्ड रो को आप एडल्ट्स के लिए भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा। जिन्हें ज़्यादा स्पेस और माइलेज चाहिए, उनके लिए सफारी बेस्ट है, और जिन्हें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा फीचर्स चाहिए, उनके लिए XUV700 बेस्ट है। अगर आप XUV700 का किया सेल्टॉस, होंडाई क्रेटा, MG हेक्टर, टाटा हैरियर या फिर होंडाई अल्काज़ार से कंपैरिजन चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। XUV700 की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है और इसकी बुकिंग 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में आपको केवल पेट्रोल वेरियंट्स ही मिलेंगे। आई एम हैविंग कोल्ड, मे बी माई वॉइस इज नॉट क्लियर टू यू, सॉरी फॉर डैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।